हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं रियासत भैया। भैया लखनऊ से बिलोंग करते हैं। भैया को फिशर इन यूनो डायग्नोस हुआ था और ईश्वर की कृपा से इनका फिशर इन यूनो केवल खाने वाली दवाओं से और लगाने वाली दवाओं से ठीक करा दिया। बहुत क्रोनिक फिशर था, बहुत गहरा घाव था। भैया को जो दिक्कत हुई थी, इनको लीवर एब्सेस हुआ था, इनके लीवर में थोड़ा सा फोड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हाई एंटीबायोटिक दिया गया होगा, तो उससे थोड़ा सा लैटिन टाइट हुई, लैटिन कठोर हो गई, जिसकी वजह से इनको चोट लग गई। चोट लगने से वो इतना गहरा घाव था कि ऑपरेट वाला केस था, लेकिन चूंकि लीवर एब्सेस इन्वॉल्व था तो इसलिए ऑपरेशन हो नहीं सकता था। तो हम लोगों ने ये प्लान किया, अगर 10-15-20 दिन अगर इसको सही से केयर कर लिया जाए, यानी सुबह लैटिन जांच पहले अगर ऑयलिंग कर दिया जाए, गुनगुने पानी थोड़ा सिकाई कर लिया जाए, और अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन कर दिया जाए, तो शायद फिशर ठीक हो सकता था। और हम लोगों ने इसी प्लान पे काम किया और भैया का 1-1.5 महीने में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। क्यों भैया? जी जी सर, थोड़ा सा रियासत भैया बताएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल, ये समथिंग 31 मई को मेरा लीवर एब्सेस हुआ था जी। और फोड़े में से पस निकलने के बाद, उससे पहले जो मुझे डायग्नोज दी गई थी दवाई इंजेक्शन वगैरह, वजह से लैट्रिन पेट में बहुत सूख की कड़ी हो गई थी, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं डॉक्टर साहब के पास इस प्रॉब्लम के समथिंग 1-1.5 महीने के बाद आया था, 1 महीने 20-22 दिन के बाद। और घाव मेरा इतना गहरा था कि उसमें से ब्लड भी आना शुरू हो गया था और दर्द गालन ये था, जैसे मैं बता नहीं सकता हूँ कि बस पिघला, मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता कि मुझ पर क्या बीतती थी। और वही ये तेल डालने से और एक शाम में गैस पाउडर खाने से मुझे रिलीफ मिली है। डॉक्टर साहब ने ड्रेसिंग की जो कि मेरा ऑपरेट के लायक था, घाव जो बीमारी मेरी ऑपरेट होना थी वो डॉक्टर साहब ने दवाइयों से कर दी। अगर केयर की जाए डॉक्टर साहब के निर्देश अनुसार, बताए अनुसार, तो ये बीमारियां, गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आगे प्रॉब्लम लाइलाज होने से बेहतर है कि इलाज के अंदर ही अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, जो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ किया। और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से केयर किया, बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में केयर किया जाता था, मेरे साथ व्यवहार भी बहुत अच्छा था सारे स्टाफ का टोटल। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार कि भैया का अगर देखा जाए जो कारण था वो लैट्रिन की कठोरता की वजह से थी। जैसे ये हम लोगों ने पहले से इसमें बना दिया है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि देखिए, जब भी हमारी लैट्रिन कठोर होगी तो जैसे ही मल सूखा हुआ आएगा हमारे शरीर में, जैसे हमारे शरीर से पास होगा तो यहाँ पे चोट पहुँचा देगा, जिसकी वजह से हमें पाइल्स या फिशर होने लगता है। तो अगर हम अपने मल को मुलायम बना दें, और जैसे नॉर्मल हम जब पैदा होते हैं, जब बड़े होते हैं, तब तक जिसको लैट्रिन मुलायम आती रहती है उसको जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मुलायम लैट्रिन से हमारे गुदामार पे कभी चोट नहीं लगती। तो लैट्रिन मुलायम करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका खान पान और आपका रहन सहन, क्योंकि जिस दिन आपके खान पान में कोई डिस्टर्ब होगा या आपके रहन सहन में कोई दिक्कत होगा तो लैट्रिन हमेशा सूख जाएगी। सूखेगी तो लैट्रिन, सूखी लैट्रिन अगर हमारे गुदामार्ग से पार आएगी तो वो चोट तो पहुँचाएगी, चोट पहुँचाएगी, या तो उसमें पाइल्स बनाएगी या तो फिशर बनाएगा। तो हमारा जो पूरा फोकस होना चाहिए कि हमारा जो खान पान वो बहुत अच्छा होना चाहिए। खान पान में जैसे ये हम लोग अक्सर बताते हैं कि 70% डाइट हम लोग ये खिलाते हैं और 30% घर का खाना खिलाते हैं, कोई ज़्यादा परहेज नहीं कराते हैं, बस क्या खाना है 70% में। अब 70% में मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, 70% में आप जो है, जैसे फल है, फलों में सेब, केला, कीवी, नारियल पानी, जैसे इस समय सिंघाड़ा है, जैसे आपका संतरा आ रहा है, अंगूर के समय में अंगूर, तो यानी जिस रीजन में और जिस सीजन में आप हैं, जैसे आप मान लीजिए राजस्थान में हैं तो राजस्थान में उस समय जो फल मिल रहा हो, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, और वो आप फल ज़्यादा खाइए। लेकिन फलों में भी कई प्रकार के फल आते हैं, जैसे अमरूद हम लोग मना करते हैं। अमरूद इसलिए मना करते हैं कि अमरूद के फाइबर थोड़ा सा हैवी होते हैं, डाइजेशन करने में थोड़ा सा, आप देखिएगा जब कभी आप आधा किलो अमरूद खाइए तो आप देखिएगा अगले दिन आपकी मल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा मात्रा यहाँ से आएगी, अगर आपके मलद्वार पे कोई चोट लगी है तो उस पर चोट और बढ़ेगी, ना कि चोट घटेगी। अगर आपको पेट केवल साफ़ करना है तब तो अमरूद बहुत फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर पेट साफ करने के साथ साथ अगर मलद्वार पे कोई समस्या है तो अमरूद आपको नुकसान पहुँचाएगा। खूब सारा अच्छे से खाना है फल, और आधा से 1 किलो तक फल खाइए, सीजन और रीजन के हिसाब से, जिस सीजन में आप हैं, जैसे जाड़ा चल रहा है तो जाड़े में जो फल आ रहे हैं वो खाइए। अगर आप ऐसे सीजन में हैं, जैसे अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी के हिसाब से फल खाइए, सर्दियों के हिसाब से, सर्दियों में जो सीजन में फल आते हैं वो आप खाइए। खीरा, 4-5 देसी खीरा, 1-2 मूली, मूली के पत्ते के साथ, गन्ना, मौसम्बी, अनार, अनानास का जूस। अब ये जो हम लोग गन्ना पिलाते हैं या केला खिलाते हैं, अब जैसे कोई डायबिटीज पेशेंट है तो डायबिटीज वाला पेशेंट जो है वो ना खाए, क्योंकि डायबिटीज इससे बढ़ जाती है। तो अब हमें ये भी देखना है कि जैसे हमने कहा ना सीजन और रीजन, इसी हिसाब से अगर आपको कोई रोग है, जैसे मान लो डायबिटीज़ है, तो आप डायबिटीज़ में जो जो फल मना किए गए हैं वो फल ना खाएं, जो फल आपको अलाउ किए गए हैं वो फल खाएं।
किडनी का पेशेंट है तो जैसे कुछ लोग कहते हैं जैसे किडनी के पेशेंट में कुछ फल मना किया जाता है, तो किडनी वाले डॉक्टर से बात कर लीजिए भाई हमको कौन सा फल नहीं खाना है उनके हिसाब से। ये मैं केवल जनरल बता रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ मलद्वार में समस्या है तब अगर आपको पेट साफ करना है तब ये, अगर उसके साथ साथ कोई बीमारी है तो वो बीमारी के हिसाब से ये डाइट बदल जाएगी। जैसे मूंग की खिचड़ी 2-4 चम्मच देसी घी। देसी घी क्या करता है, जो पित्त होता है हमारे शरीर में पित्त को कम करता है, और पित्त जो होता है अगर पित्त का समन होता है हमारे बॉडी में तो रक्त और पित्त को हमारे आयुर्वेद में लगभग सेम बताया गया, तो इसकी वजह से जो बॉडी में बर्निंग होती है जब मलद्वार पे वो उससे शांत हो जाता है। और जब हम कोई जैसे घृत है, घृत खाएंगे तो हमारा जो आते हैं उसमें सूदिंग इफेक्ट रहेगा, जो आते हैं जो मल है वो फिसलते हुए निकलेगा, उससे हमारे गुदामार पे फ्रिक्शन कम होगा, तो ये जो डाइट है वो हमारे गुदामार पे चोट नहीं लगाता है, चोट नहीं लगेगा। तो अगर आपको पाइल्स फिशर है तो उसमें बहुत आराम मिलेगा, जैसा कि भैया का एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल है। अब हम लोग क्या मना करते हैं, नॉनवेज पनीर और अमरूद स्पेशली मना करते हैं। नॉनवेज और पनीर खाने से क्या होता है, ये 100% प्रोटीन होते हैं। जब आप हैवी प्रोटीन डाइट खाते हैं तो मल की मात्रा बहुत कम हो जाती है, और जो मल का पहला हिस्सा होता है वो कंकड़ जैसा हो जाता है। आप सोचिए कि अगर आपके शरीर से कोई कंकड़ जैसी चीज निकलेगी तो उसमें चोट लगेगी नहीं लगेगी। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर मुंह में छाले पड़े हैं तो क्या अमरूद आप चबा पाएंगे, नहीं चबा पाएंगे। कोई सॉलिड खाना खा पाएंगे, नहीं खाएंगे। आप अगर मुंह में छाले हैं तो लिक्विड डाइट ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि अगर सॉलिड खाना खाएंगे तो मुंह में छाले बढ़ जाएंगे। इसी तरह गुदामार्ग पे अगर कोई चोट लगी है तो उस समय हमारे गुदामार्ग से ऐसा मल निकलना चाहिए जो बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। अब अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में हम लोग स्पेशली 3 ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं खाने के लिए, मखाना, किशमिश और अंजीर, क्योंकि ये 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं अगर आप पानी में भिगो दीजिए 4-5 घंटे बाद अगर उसको आप हाथ से मसलिए तो इसके जितने भी आप देखेंगे बिल्कुल टूट जाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे बादाम है, जैसे अखरोट है, जैसे काजू है, जैसे आप छुआरे हैं जो सॉलिड वाले होते हैं, आप उसको दबा के देखिए वो नहीं फूटेंगे। तो इसी तरह जब आप खाएंगे तो आपके पेट में भी तो वो जो फाइबर इनके होंगे वो हैवी होंगे, लेकिन इसके जो फाइबर होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो सॉफ्ट वाले आप ड्राई फ्रूट्स खाइए जिनको भिगोने के बाद आपका मल बिल्कुल सॉफ्ट बने। सॉफ्ट मल आएगा तो चोट नहीं लगेगी, चोट नहीं लगेगी तो पाइल्स फिशर नहीं बनेगा आपको। इसके साथ साथ 30% घर का सारा खाना खाएं, मिर्च मसाला अवॉइड करें। तो ये हमारा डाइट होता है। और एक ऑयलिंग, चूंकि भैया सुबह शाम ऑयलिंग करते थे, क्योंकि खाना जो हमारा होता है, जैसे आज मैंने जो भी खाया है कल मेरा जो मोशन होगा वो इनडायरेक्टली उस पर रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि हमने आज जो खाया है कल हमारी लैट्रिन कैसी होगी। ये कई बार खाना अच्छा खाने से भी पेट नहीं साफ होता, तो हम क्या करते हैं ऑयलिंग कराते हैं। जैसे पाइलो, कौन सा तेल, पाइलोवांस ऑयल हम लोग क्या कराते थे, ऐसे सिरिंज में ऑयल भरते थे, ऐसे लैट्रिन में रास्ते में सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसको डालना होता है। तो इससे क्या होता है, जब हमने ऑयल डाला, देखिए जब हमने ऑयल अंदर डाला तो हमारी जो लैट्रिन का रास्ता था, जो एनो कैनाल थी, वो तेल से भीग गई, और मल का पहला हिस्सा अगर मान लो वो सूख गया है तो वो फिसलते हुए बाहर आ जाता है, तो पाइल्स और फिशर पे ज्यादा दबाव नहीं पैदा करता, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करता, ज्यादा फोर्स नहीं डेवलप करता। तो उससे क्या होता है, जो पाइल्स फिशर होती है उसमें हीलिंग, चूंकि बॉडी खुद हील कर लेती है तो हीलिंग पे हमें असर नहीं पड़ता, जो हीलिंग पे असर नहीं पड़ता तो घाव भी जल्दी भर जाता है। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा जो हम लोग बताते हैं वो फिटकरी बताते हैं, फिटकरी का 1 चम्मच का 1/4 भाग फिटकरी गुनगुने पानी थोड़ा डाल के आपको सिकाई करनी होती है। और फिटकरी की मात्रा कम होनी चाहिए, 1 चम्मच का 1/4 भाग होना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी होना चाहिए, जितना गुनगुना पानी से हम नहा सकते हैं या छूने से हमें लगे कि हम ये बियरेबल है, मतलब हम अगर बैठेंगे तो हमें ये परेशान नहीं करेगा, तो ये होना चाहिए। और कितना मिनट, 5 से 7 मिनट, क्यों भैया जी, यही आप करते, यही करते, यही सेम प्रोसीजर भैया कराया गया। और आप देखते हैं इनका फिशर जो था बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में था, और भैया केवल जो है बिना ऑपरेशन से ठीक हो गए। धन्यवाद।